सो हेलो गाइज, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल ऑटो वन वील्ड पे। सो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेवन सीटर गाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं आपको। उससे ज़्यादा खास बात आप लोग के लिए ये होने वाली है, जो सेवन सीटर गाड़ियाँ आएगी उसके अंदर आप लोगों को एक ऐसा फीचर मिल रहा है या फिर ऐसा टेक्नोलॉजी मिल रहा है जिससे गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ सेवन सीटर हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में। अब सेवन सीटर गाड़ियाँ तो हर कोई लेना चाहता है, बट उसमें जो है ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लोगों को ये आती है, सोचना पड़ता है कि सेवन सीटर गाड़ियाँ होने का मतलब ये या तो वो महंगी होगी या उसमें फ़ीचर्स नहीं होंगे या फिर पावर कम होगी और माइलेज भी नहीं होगी। बट अब ऐसा नहीं है, अब हाइब्रिड का ऑप्शन आप लोग को जो है ना सेवन सीटर गाड़ियों के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब ये कौन सी गाड़ियाँ हैं ऐसी सेवन सीटर जो हाइब्रिड के साथ लॉन्च होने जा रही है इंडिया में, और कब लॉन्च होगी, एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज क्या होगी और फीचर्स क्या क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखोगे। अगर आप लोग लास्ट तक देखते हो तो आप लोगों को जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी चलिए हम बिना देरी शुरुआत करते हैं आज की इस मज़ेदार वीडियो को। सबसे पहले जो यहाँ पे गाड़ी आने वाली है सेवन सीटर हाइब्रिड के साथ, वो रहेगी टोयोटा मोटर्स की तरफ से RAV4। RAV4 आप लोग जानते हैं फॉरेन कंट्रियों में बिकती है, ये सेवन सीटर के साथ सी सेगमेंट वाली एक SUV आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो पूरी तरीके से जो है ना हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देती है। अगर इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस आप लोग को बताता हूँ, इंडिया के अंदर आएगी तो ये 20-25 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत या फिर इंट्रोडक्टरी प्राइस से स्टार्ट हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक इस गाड़ी को दिया जाएगा। अब इसके अंदर जो आप लोग को इंजन मिल रहा है, जिसका जो सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न रहता है, वो है 2.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा सेगमेंट में, और 8 स्पीड ECVT गियरबॉक्स आप लोग को इसके अंदर मिलेगा। देखिए इंटीरियर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम रहेगा इस गाड़ी का, और फीचर्स भी आप लोग को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के दिए जाएंगे। डुअल टोन डैशबोर्ड होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आप लोग को फील करा दी जाएगी इस गाड़ी के अंदर, कहने का मतलब ये है। बिग स्क्रीन होगा इस गाड़ी में और कई सारे ऐसे फीचर्स होंगे, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, सनरूफ आप लोग को मिल जाएगी, और भी कई सारे ऐसे जो है ना कन्वीनियंट फीचर्स आप लोग को इस टोयोटा RAV4 के अंदर मिल जाएगी। अब देखिए इस गाड़ी को जो है ना कब तक यहाँ पे लॉन्च किया जा सकता है, ये गाड़ी आप लोगों को जो है ना 2025 या फिर 2024 के लास्ट महीनों में जो है ना ये आप लोगों को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ग्रैंड विटारा RIS 7 सीटर के साथ। लोग ग्रैंड विटारा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि एकलौती ऐसी गाड़ी है जो प्रॉपर हाइब्रिड के साथ आप लोग को मिलती है। अब इसको 7 सीटर के साथ लॉन्च करने की तैयारी चली हुई है, लोगों की मांग बहुत ज़्यादा है 7 सीटर गाड़ियों को लेकर। ये जो है ना इसकी जो कीमत रखी जा सकती है, ये आप लोग 1-1.5 लाख रुपए जो है ना एक्स्ट्रा इसमें जोड़ सकते हैं, तभी ये जो है ना आप लोग को 7 सीटर में मिलेगी। इंजन आप लोग को जो है ना वही सेम इंजन आप लोग को दिया जा सकता है रीट्यूनिंग करके, एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को इसके अंदर दे दिया जाएगा, जो कि CVT ECVT ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आप लोग को मिलेगा। यहाँ पे जो फीचर्स होंगे आप लोग को अपग्रेड करके दिए जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं ग्रैंड विटारा है, फीचर्स आप लोग को वही सारे मिलते हैं और थोड़े बहुत अपग्रेड करके भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में जो बिग स्क्रीन होगा वो काफ़ी ज़्यादा सही होगा इस गाड़ी के अंदर, ट्रिपल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल, Level 2 का ADAS होगा, पैनोरामिक सनरूफ होगा, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोग को इस ग्रैंड विटारा 7 सीटर के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग ग्रैंड विटारा को पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग चाहते हैं ग्रैंड विटारा के बारे में और जानकारी, तो आप लोग जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग मुझे जो है ना कमेंट करके बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर इसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं, तो देखिए ये गाड़ी जो है ना 2-3 महीने के अंदर आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल कर दी जा सकती है, क्योंकि मारुति सुजुकी है आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर है अभी तक। सो अब नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिए तो निसान मोटर्स की तरफ से आने वाली है X-Trail, क्रॉसओवर SUV है ये, 7 सीटर का ऑप्शन भी आप लोग को मिलेगा, ज़बरदस्ती घुसा दिया जाएगा, बट प्रॉपर 7 सीटर नहीं होगी, ज़बरदस्ती जिसमें पीछे के थर्ड रो में जो है ना बिल्कुल भी जगह आप लोग को नहीं मिलेगी। फीचर्स आप लोग को एडवांस लेवल के दिए जाएंगे इसके अंदर, जो है ना आप लोग को नॉर्मल हाइब्रिड इंजन नहीं मिलेगा, ये आप लोग को जो है ना ई पावर टेक्नोलॉजी आप लोग को यूज़ किया जाएगा इस गाड़ी के अंदर। कीमत कितनी रह सकती है, देखिए इसकी कीमत जो है ना अगर ये भारतीय बाज़ार पर आती है तो 30-35 लाख रुपए की एक्स शोरूम इंट्रोडक्टरी प्राइस से शुरू हो सकती है ये। अब इसका इंजन जो कि 1.5 लीटर का है ई पावर हाइब्रिड इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है, माना जाता है कि भाई जो ई पावर इंजन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं नॉर्मल हाइब्रिड से, और काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं। CVT ECVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप लोग को दिया जाएगा,
पैनोरामिक सनरूफ होगा इस गाड़ी में, वायरलेस चार्जर होगा, वेंटिलेटेड प्लस हीटेड सीट्स होंगे, ठीक है, एडास होगा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन होगा, कोलिजन वार्निंग होंगे, ऐसे कई सारे सेफ्टी के फीचर्स आप लोगों को दिए जाएंगे इस गाड़ी के अंदर, जिससे जो है ना इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा सेफ़ माना जा सकता है। और लुक्स के मामले में तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप लोग चेक कर पा रहे होंगे इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है। अब जो है ना इसका जो लॉन्च डेट आप लोग को मैं बताता हूँ, देखिए जो लॉन्च डेट है इसका एक्सपेक्टेड जो रह सकता है ये आप लोग को 2024 के सितंबर से अक्टूबर महीने में देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, महिंद्रा मोटर्स की तरफ से आने वाली है XUV 500 हाइब्रिड। ये पूरी तरीके से नया जनरेशन रहेगा XUV 500 का, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो XUV 500 थी पहले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रह चुकी है सेगमेंट में अपने, और काफ़ी ज़्यादा इसने एक दबदबा बना के रखा था अपना, और इसको अब दोबारा से रीलॉन्चिंग की तैयारी कर जा रही है, जिसमें जो लुक्स है पूरी तरीके से आप लोग को XUV 700 वाले देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो यूज़ किया जाएगा इस गाड़ी के लिए वो XUV 700 का ही होगा, और इंटीरियर का डिज़ाइन भी पूरी तरीके से चेंज रहने वाला है, मेजर अपग्रेड्स इस गाड़ी को दिए जाएंगे। इंजन आप लोग को जो दिया जा सकता है वो 1.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन हो सकता है, जो कि 130 bhp की पावर निकाल के देगा। और प्राइसिंग कितनी रह सकती है इसकी, जो कीमत शुरू हो सकती है इसमें दो प्राइसिंग आ सकती है आपकी, एक इसको कॉम्पैक्ट SUV की रेंज में उतारा जा सकता है, या फिर एक इसको फुल साइज़ SUV की रेंज में उतारा जा सकता है। कॉम्पैक्ट साइज़ में अगर इस गाड़ी को मैं बताऊं प्राइसिंग, तो ये आप लोग को जो है ना 12 लाख ऑन रोड शुरू हो सकती है, वहीं अगर इसको फुल साइज़ SUV में किया जाए तो इसको 20 लाख ऑनवर्ड्स में इसको लॉन्च किया जा सकता है। जो फीचर्स आप लोग को दिए जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल के होने वाले हैं, और साथ ही में वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड प्लस हीटेड सीट्स आप लोग को इसमें दिए जाएंगे, पैनोरामिक सनरूफ होगा, एम्बिएंट लाइट्स होंगे, एडास आप लोग को दिया जाएगा, और उसमें बहुत सारे फीचर्स आप लोग को मिलेंगे जैसा कि आप लोगों ने XUV 700 के अंदर देखा है, बस सेम एज इट इज़ वैसे ही फीचर्स आप लोग को इसमें भी मिलेंगे। और साथ ही में आप लोग जानते ही हैं XUV 700 बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, और ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अचीव कर रखी है, तो 500 को भी जो है ना उम्मीद करते हैं अगर ये जब लॉन्च होती है, जब आती है, इसको भी 5 स्टार मिल सकते हैं। यहाँ पे जो है ना सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा इस गाड़ी में, और इसके अंदर जो है इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम होगा, डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल आप लोगों को दिए जाएंगे, और इसका लॉन्च डेट जो है ना थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि महिंद्रा के पास अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसको अपग्रेड कर रहे हैं, 2025 तक ये गाड़ी आप लोग को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, टोयोटा मोटर्स की तरफ से आने वाली है फॉर्चूनर न्यू जनरेशन के साथ। अब ये भी आप लोग को जो है ना हाइब्रिड का ऑप्शन देने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं फॉर्चूनर में ऐसा कुछ नहीं मिलता है अभी, बट अब जो है ना इसको आप लोगों को हाइब्रिड के साथ भी ये गाड़ी मिलेगी। क्या चीज़ें चेंजेस रह सकते हैं इसमें, देखिए 7 सीटर लेआउट में ये गाड़ी पूरी है, और इसके जो डिज़ाइन है पूरी तरीके से चेंज है, मेजर अपग्रेड इस गाड़ी में दिए गए हुए हैं, IMV प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के लिए, 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन आप लोग को प्राप्त होता है इसमें, जो कि 201 bhp की पावर और 420 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है ये, 2.7 लीटर का एक पेट्रोल इंजन भी आप लोग को दिया जाएगा जो कि 164 bhp की पावर निकालेगा और 240 nm का टॉर्क जनरेट करेगा ये। यहाँ पे हाइब्रिड का ऑप्शन भी आप लोग को दिया जाएगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो जाएगी ये गाड़ी, 360 डिग्री कैमरा। अब सनरूफ को लेके काफ़ी ज़्यादा रूमर्स है कि वही सनरूफ मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, वो आने वाले टाइम में भी हम लोग देखेंगे। एडास मिल जाएगा आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी के लिए, और इसकी जो है ना लॉन्च डेट में आप लोगों को बताऊँ तो ये आप लोग को 1 से 1.5 महीने के अंदर देखने को मिलने वाली है यहाँ पर। अब चलिए लास्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं इस लिस्ट की, तो यहाँ पे जो है ना लैंड रोवर की तरफ से आने वाली है डिफेंडर हाइब्रिड के साथ। इसकी जो प्राइसिंग है ये आप लोग मान के चलिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है नॉर्मल से। 2.0 लीटर का आप लोग को हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 394 bhp की पावर और 500 nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। देखिए माइलेज जो है ना सबसे बड़ा कंसर्न है इसका, जिसमें आप लोग को 14+ kmpl की माइलेज गाड़ी दे सकती है, ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, और साथ ही में मैं आप लोगों को बताता हूं तो मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील आप लोगों को देखने को मिलेगा, बिग इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल है, 360 डिग्री कैमरा भी आप लोगों को मिलता है इसमें, एडास भी मिलता है आप लोगों को, और उसमें कई सारे फीचर्स आप लोगों को एड ऑन किए जाएंगे। सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है, तो बहुत सारे सेफ्टी के फीचर्स भी है, और भी अंधाधुंध ऐसे फीचर्स आप लोग को इस लैंड रोवर डिफेंडर के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ी अच्छी है ये। सो इसकी अगर मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो ये आप लोगों को कुछ ही महीनों में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए गाइस, ओवरऑल ये वो गाड़ियाँ थी 7 सीटर के साथ जो आप लोग को हाइब्रिड के साथ मिलने वाली है। अब बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि 7 सीटर में भी आप लोग को हाइब्रिड का ऑप्शन मिल रहा है। अब आप लोग बताइए आप लोग के तरफ से क्या ख्याल है इन गाड़ियों के बारे में।
और माना जाता है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो जो है ना ऐसी वीडियोज़ नहीं देखते, वो सीधा गाड़ी डायरेक्ट ले लेते हैं। अपना काम था बताना, हमने बता दिया। बाकी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। बाकी ऐसे वीडियोज़ अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो बने रहना हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल पर। बाकी मैं मिलूँगा आप लोग को ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आप लोग रखना अपना ध्यान। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। जय हिंद। वंदे मातरम।